सह कर वी कर्वाप तेजस्वे नधी तमस्तो म शांति 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 सर्वेभ्यो नमः देववाणी संस्कृतम YouTube चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है मित्रों आप लिखा हुआ देख रहे हैं संस्कृताय नमः संस्कृत भाषा को नमस्कार आगे लिखा हुआ है संपूर्ण संधि प्रकरण यह एक नई सीरीज आरंभ हो रही है इस चैनल पर आज से लगभग पांच वर्ष पूर्व हमने संधि प्रकरण पढ़ाया था ठीक है पूरा संधि प्रकरण हमने पढ़ाया था परंतु तब हमारे पास में टेक्नोलॉजी के जो उपकरण चाहिए वो नहीं थे इसलिए जो हमने पांच साल पांच वर्ष पूर्व जो कोर्स बनाया था उसमें गुणवत्ता की न्यूनता थी ज्ञान की न्यूनता नहीं थी गुणवत्ता की उसमें न्यूनता थी तो अब वीडियो की गुणवत्ता के साथ में ये नया कोर्स हम बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर संस्कृत व्याकरण का जो संधि विषय है उस संपूर्ण संधि विषय को इसमें कवर किया जाएगा पढ़ाया जाएगा ए टू जेड संधि ठीक है तो ध्यान रखेंगे ये जो संधि प्रकरण है संस्कृत को पढ़ने वाले सभी प्रकार के पाठकों के लिए संजीवनी बूटी का कार्य करेगा ये ध्यान रखेंगे तो हमारा जो ये पुरुषार्थ करने का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य का हमारा एक लक्ष्य है कि संस्कृत भाषा कि जो कोर्स हम बना रहे हैं ये करोड़ों लोगों तक ऑनलाइन माध्यम से निशुल्क पहुंचे ठीक है ये कक्षा पूर्णतः निशुल्क होगी आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा ठीक है ध्यान रखेंगे आपसे कोई भी हम फीस नहीं मांगेंगे कि जी फीस दीजिएगा तब आपको कोर्स पढ़ने दिया जाएगा नहीं यहाँ पर आपके लिए ये कोर्स ओपन रहेगा हमेशा कम से कम सौ वर्ष तक इस कोर्स से लोग संपूर्ण संधि प्रकरण पढ़ करके अच्छी प्रकार से समझ सकेंगे सभी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले संस्कृत विषय की उन सभी छात्र और छात्राओं के लिए और स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय गुरुकुल संस्कृत पाठशाला आदि में पढ़ने वाले सभी छात्र और छात्राएं इस कोर्स का अधिक से अधिक लाभ लेंगे अपने घर पर ही बैठे बैठे ठीक है तो अब समझ लीजिएगा आज की कक्षा इस सीरीज की एक भूमिका के रूप में होगी ठीक है इस कोर्स को आप एक तो इस यूट्यूब पर यूट्यूब चैनल पर पढ़ सकेंगे देववाणी संस्कृतम YouTube यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करके आप पढ़िएगा इसके अलावा जो हम यहाँ पर ये पीडीएफ बना करके आपको को पढ़ाते हैं इस पीडीएफ के साथ में यदि आपको ये कोर्स पढ़ना है तो देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर भी आप पढ़ सकेंगे यूट्यूब पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि इस पर हम पीडीएफ भी साथ में जोड़ दें ऐसी व्यवस्था नहीं है ठीक तो एप, है तो ऐप देववाणी संस्कृतम ऐप है देववाणी संस्कृतम बहुत सारी ऐप्स हैं परंतु देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट की जो ऐप है उसको आप डाउनलोड करेंगे तभी आपको यह कोर्स मिलेगा तो उस ऐप को डाउनलोड करने के लिए हमने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दिया है उस पर आप क्लिक करके प्ले स्टोर में जाकर के देववाणी संस्कृतम ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और ऐप की जो पॉलिसी है उसके अनुसार आप कोर्स को वहां पढ़िएगा अथवा आप इस यूट्यूब चैनल पर पढ़िएगा जब चाहे तब पढ़िएगा ठीक दूसरा यहां पर एक प्लेलिस्ट बना दी प्लेलिस्ट कॉलम बना दिया जाएगा संपूर्ण संधि प्रकरणम नाम का उस कॉलम में ही सभी कक्षाएं आपको क्रमशः आगे उपलब्ध होंगी ठीक है माने हम विषय वाई कॉलम बना देते हैं तो इस कॉलम इस विषय का इस सीरीज का नाम होगा संपूर्ण संधि प्रकरणम लिस्ट में जाइएगा उस पर क्लिक कीजिएगा सभी कक्षाएं आपके सामने खुल जाएंगी आराम से पढ़िएगा जब चाहे तो। इस संधि प्रकरण को पढ़ाने के लिए हम इस पुस्तक का सहयोग लेंगे ध्यान देंगे ये पुस्तक है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है इसके लेखक भी बहुत प्रसिद्ध हैं डॉक्टर बाबू राम सक्सेना जी ठीक है इस पुस्तक के अंदर कुछ अध्याय अध्यापन कुछ विषय वस्तु को टीजीटी पीजीटी के जो एग्जाम होते हैं उनके पाठ्यक्रम में भी रखा जाता है तो इस पुस्तक को आधार बना करके हम आपको संपूर्ण संधि प्रकरण पढ़ाएंगे संपूर्ण संधि प्रकरण से तात्पर्य है जिसमें आपके अष्टाध्यायी के सूत्र भी उनका विशेष अर्थ उदाहरण और साथ में जहां कहीं पर भी वार्तिक भी संधि प्रकरण में है उन वार्तिकों को भी विस्तार से पढ़ाया जाए अर्थात संधि का ए टू जेड आपको मिलेगा इस कोर्स के अंदर यदि किसी ने भी इस कोर्स को पढ़ लिया तो समझिएगा उसने संपूर्ण संधि पढ़ ली व्याकरण का जो संधि का पार्ट है वो संपूर्ण पढ़ लिया ठीक है अब संधि पढ़ने के लिए आपको क्या करना है आपको पहले संस्कृत भाषा थोड़ी आनी चाहिए ध्यान दीजिएगा संधियाँ हमने पढ़ाई हैं पहले संस्कृत शिक्षण के जो कोर्स बना दिए हैं उनमें संधियां हमने पढ़ाई हैं परंतु पूरी संधियाँ नहीं पढ़ाई हैं जितनी जितनी जिस जिस कोर्स में संधियां आई हैं उतनी पढ़ाई हैं तो इस बात को ध्यान में रख कर के कि हमारे जो पाठक हैं वो संपूर्ण संधियों को कैसे पढ़ सके इसलिए एक कोर्स का निर्माण किया जा रहा है तो आप संस्कृत जानते हैं कुछ तभी आप संधि समझ पाएंगे ठीक है वैसे संधियां समझ में नहीं आएंगी बाकी आप पहले के सीखिएगा कोर्स तैयार कर दीजिए ये पुस्तक के इस पुस्तक के माध्यम से हम पढ़ाएंगे ये पुस्तक आपको किसी के भी पाठक को चाहिए लेनी चाहिए मंगानी चाहिए बहुत उत्तम पुस्तक है मैंने इस पुस्तक की एक वीडियो बना दी है कि इस पुस्तक के अंदर क्या क्या विषय वस्तु है उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने रख दिया है उस पर क्लिक करके आप इस पुस्तक की संपूर्ण सामग्री को देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ाया गया है ठीक है इसमें व्याकरण के सभी जो विभाग हैं व्याकरण के सभी अंश है उनको संग्रहित किया गया है ठीक है इसमें संधि भी मिलेगी आपको समास भी मिलेगा सुमंत के रूप भी मिलेंगे तिगंत के रूप भी मिलेंगे कारक भी मिलेगा समास भी मिलेगा सारी चीज मिलेंगी व्याकरण संबंधी आपको ठीक है तो आप यदि इस पुस्तक को ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो ऑनलाइन पुस्तक मंगाने के लिए भी हमने इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दिया है वहां पर आप क्लिक करके इस पुस्तक को ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं संस्कृत के प्रत्येक छात्र एवं छात्रा तथा प्रत्येक अध्यापक के लिए ये पुस्तक संजीवनी का काम करेगी और ध्यान रखेंगे ये पुस्तक अपने आप समझ में नहीं आती कोई भी पुस्तक जो कुछ इस प्रकार की होती है गणित तो हो गया या व्याकरण आदि हो गया वो तो पढ़ाने वाले के पढ़ाने से समझ में आती है तो हम पढ़ाएंगे आपको पूरी समझ में आ जाएगी ठीक है इसका कारक प्रकरण मैंने पूरा तैयार कर दिया है इसमें जो संपूर्ण कारक प्रकरण था उसका कोर्स मैंने तैयार कर दिया है प्ले में आप देख सकते हैं कारक प्रकरण है? संस्कृत व्याकरण प्रवेश का इस प्रकार का एक कॉलम बना हुआ है यदि आपको नहीं मिलता है तो व्हाट्सअप पर संपर्क कर सकते हैं ठीक है तो ये आप हमारी इस कोर्स की मोटी मोटी सी जानकारी हो गई ठीक है और अब हम चलते हैं आगे हमारी जो दक्षिणा है हमारी जो फीस है हमारा जो शुल्क है पढ़ाने का वो शुल्क हम आपसे मांगते हैं कि आप इन कक्षाओं को शेयर करके करोड़ों लोगों तक संस्कृत के पाठकों तक पहुंचा दीजिएगा यही हमारा शुल्क है यही हमारी फीस है ठीक है करोड़ों लोगों तक पहुंचाइएगा ठीक है कंजूसी मत कीजिएगा हम भी दान देन विद्या का दान करने में कंजूसी नहीं कर रहे एकदम खुले हृदय से खुले विचार से सभी को समान रूप से विद्या का दान कर रहे हैं तो इस विद्या के दान का जो दान की जो गंगा है इसको आप बहा के ले जाइए दूर दूर तक ठीक है चलिएगा सभी कक्षाओं को क्रमशः पढ़ने पर ही आपको इस कोर्स की विषय वस्तु समझ में आएगी आपको किसी भी वीडियो को स्किप नहीं करना यदि स्किप कर दिया आपने तो फिर आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी आप बार बार पूछते रहेंगे इसलिए किसी भी कर, इसकी सीरीज की किसी भी कक्षा को जो पढ़े तो उसकी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ऐसा नहीं अरे जी हो गया जी, चलो चलो आगे हम जो बात बता रहे हैं उसको आप पूरी प्रकार से सुनना है बार बार नहीं बताएंगे किसी बात को और कोई बात छूट गई आपने स्किप कर दिया उस समय मैंने बताई और फिर आपको आगे में बताने लगा वो समझ में नहीं आपको आएगी आप कहेंगे ये बताई नहीं तो स्किप आपको नहीं करना भूल करके भी नहीं करना नहीं तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा स्किप पढ़ने का ठीक है चलिएगा ये तो हमने आप इसके कोर्स के विषय में आपको बता दिया ठीक है अब हम इनके अनुसार इनके अनुसार पढ़ना आरंभ करते हैं संधि विचार ठीक है इसमें सोपान करके दिए हैं द्वितीय सोपान और इनका जो पहला जो सोपान था वो था वर्ण विचार इस पुस्तक में पहला जो सोपान था वो वर्ण विचार वर्णों पर विचार किया वर्ण क्या होते हैं कितने आदि आदि होते हैं तो अभी हमें उस पर चर्चा नहीं करनी ठीक एक दूसरा जो सोपान है हमारा वो है संधि सोपान द्वितीय सोपान का है संधि संधि विचार चलिएगा तो इनके अनुसार बहुत अच्छी प्रकार से इन्होंने समझाया है आ, पढ़ाने वाले को भी इनकी पुस्तक से पढ़ाने में बहुत अधिक सहायता मिलती है ठीक है चलिएगा वैसे आप जिनके पास धन की व्यवस्था नहीं है तो वो फिर इसी से देख करके पढ़ ले वीडियो देखते रहे यहाँ पर बाकी पुस्तक आपके हाथ में होगी तो और अच्छा होगा ठीक है चलिएगा तो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी को एक बार प्रणाम कर लेते हैं कि उन्होंने हमें बहुत सरल भाषा में चीजें स्पष्ट की हुई हैं समझाई हुई है चलिएगा संधि विचार संधि विषय विचार माने विचार थोड़ा सा चिंतन करेंगे संधि क्या होती है कहाँ करनी चाहिए संधि कितने प्रकार की होती है संधि के लक्षण आदि थोड़ी सी बताएंगे ठीक है यहां पर इन्होंने कहा है ये पीछे से एक नंबर आ रहा है वो तो इसलिए चार आ रहा है इससे कोई मतलब नहीं है ऊपर कहा जा चुका है कि प्रत्येक वाक्य में कई शब्द होते हैं वर्ण विचार वाला जो प्रथम सोपान था उसमें इन्होंने बता दिया है कि कोई भी वाक्य होता है उसको वाक्य कई शब्द मिलकर के वाक्य बनता है ने? एक शब्द का कोई वाक्य नहीं होता ठीक वाक्य बनाने के लिए कई शब्द चाहिए होते हैं तो प्रत्येक वाक्य में कई शब्द रहते हैं संस्कृत के शब्द का किसी भी स्वर अथवा व्यंजन से आरंभ होकर किसी स्वर व्यंजन अनुस्वार अथवा विसर्ग में अंत हो सकता है संस्कृत के जो शब्द है उनकी बात बता रहे हैं कि संस्कृत के शब्द क्या होता है कि संस्कृत का कोई भी शब्द होगा तो वो किसी भी स्वर स्वर का अर्थ है वोवेल जिसको व्याकरण की भाषा में बोलते हैं अच किसी भी स्वर अथवा व्यंजन व्यंजन का अर्थ है यहां पर हल मने कॉन्सोनेंट्स uh, कोई भी शब्द है या तो उसके आदि में व्यंजन होगा या होगा स्वर ठीक है तो ज जैसे मानिएगा ये है संस्कृत का शब्द हमने ले लिया अग्रे अग्रे ले लिया अब ये क्या है स्वर से आरंभ हो रहा मान अ तो से आरंभ हो रहा बल से आरंभ हो रहा है ठीक है और अथवा व्यंजन से मानिएगा जैसे ग्राम संस्कृत का शब्द है तो ये किससे हो रहा है व्यंजन से आरंभ हो रहा है और क्या है किसी स्वर या व्यंजन या अनुस्वार अथवा विसर्ग में इनका अंत हो जाता है अर्थात संस्कृत के शब्दों को बता रहे इनका जो आरंभ होगा वो तो किसी स्वर से होगा या व्यंजन से होगा और इनका अंत में जो होगा वो क्या हो सकता है कोई स्वर हो सकता है जैसे इसमें स्वर है ए ठीक है अथवा कोई व्यंजन हो सकता है जैसे ये शब्द है एक मानिएगा ये शब्द है हमारा आ, ये है करिन ठीक है करिन शब्द है तो ये क्या है व्यंजन अंत में आ गया ठीक है और अनुस्वार में आ जाता है कहीं जैसे हम बोलते हैं ठीक है आ, आ जाता कुछ आगे होता है अथवा विसर्ग विसर्ग जैसे ये विसर्ग इसके अंत में विसर्ग है तो ये तो इस प्रकार के हमें संस्कृत शब्द का ये लक्षण बता दिया कि संस्कृत शब्द की पहचान ये है उसका जो प्रथम वर्ण होगा वो तो होगा स्वर अथवा व्यंजन अंत में अंत में स्वर भी हो सकता है व्यंजन भी हो सकता है अनुस्वार भी हो सकता है विसर्ग भी हो सकता है ठीक है चलिएगा अब है अब आगे बता रहे हैं ठीक है आगे इनका कहना है दो शब्द जब पास पास आते हैं तो एक दूसरे की निकटता के कारण पहले शब्द के अंतिम वर्ण में अथवा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में अथवा दोनों में कुछ परिवर्तन हो जाता है इस संधि का लक्षण बता हैं। संधि होने पर क्या होता है संधि का अर्थ होता है जोड़ संधि माने मिलाना। और मिलाना क्या होता है एक का तो मिलाना नहीं होगा एक से अधिक का ही मिलाना होता है जोड़ होता है तो ये कह रहे हैं कि जब दो शब्द क्या दो शब्द हो कोई और वो जब पास पास आ जाए माने उनका उच्चारण हम एकदम उसमें गैप ना रखें गे? अधिक गैप ना रख करके उनको लगातार बोले पास पास का अर्थ लगातार आए आते हैं तो एक दूसरे की निकटता के कारण माने एक शब्द दूसरा शब्द बाद में आ रहा है तो दोनों निकट हो गए तो समीपता के कारण जो पहले शब्द के अंतिम वर्ण जो पहला शब्द होगा उसका तो जो अंतिम वर्ण है जो अंतिम वर्ण अथवा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण और जो बाद में आने वाला शब्द है उसका पहला वर्ण प्रारंभ का वर्ण अथवा दोनों में कुछ परिवर्तन हो जाता है अथवा जो पहला वाला शब्द है उसका अंतिम और बाद वाला शब्द है उसका प्रारंभ का उन दोनों में अंतर हो जाएगा अथवा पहले वाले के अंत में परिवर्तन हो जाएगा कुछ बाद वाले का पहला वैसा का वैसा ही बना रहेगा अथवा पहले वाले का अंत का कुछ नहीं होगा बाद वाले प्रारंभ वाले में अंतर आ जाएगा कुछ परिवर्तन हो जाता है अब ये इस बात को ये तो संस्कृत में ये कहते हैं कि हम हिंदी भाषी हैं प्राय करके ये बात संस्कृत में ही नहीं केवल संस्कृत में ही नहीं ये अन्य भाषाओं में भी होता है अब आगे बता रहे उदाहरणार्थ हिंदी भाषा को ले लेते हैं चलो हम हिंदी में हिंदी भाषी हैं तो हिंदी को ही ले लेते हैं जब हम संभाल संभाल कर बोलते हैं तब तो कहते हैं चोर ले गया मार डाला पहुंच जाऊंगा ठीक है कि जब हम संभाल सम्भाल संभाल करके माने आराम आराम से बोलते हैं शब्दों को हिंदी में तो क्या बोलते हैं मानिएगा एक उदाहरण ले लिया इन्होंने क्या बोलते हैं चोर ले गया यहां पर हिंदी में क्या होता है जो भी शब्द बोलते हैं उसका जो अंतिम वर्ण होता है वो स्वर हम रहित कर देते हैं जो हिंदी भाषी लोग हैं उनका ये ऐसा करते हैं वास्तव में लिखते समय तो पूरा लिखते हैं ठीक है शबण 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 तो न ऐसा बोल देते हैं तो इसलिए कह रहे हैं चोर ले गया मार डाला पहुंच जाऊंगा ये तो आराम आराम से बोल रहे हैं ठीक है किन्तु इन्हीं वाक्यों को यदि बहुत जल्दी में बोले तो उच्चारण इस प्रकार होगा कैसे होगा जल्दी बोलेंगे तो क्या बोले जाए चोल ले गया चोले गया चोल ले गया चोल ले गया चोल ले गया रेप साइलेंट हो जाएगा और रेप की जगह क्या साइलेंट आता रेप को ला कर ले चोर ले गया चोल ले गया माठ डाला माठ डाला ऐसे <laughs> ग्रामीण में हिंदी तो ऐसे बोलते माठ डाला पहुंच जाऊंगा पहुंच जाऊंगा तो यहां पर क्या हुआ ये जो पूर्व वाला वर्ण है ये पर वाला वर्ण ने बदल दिया अपने जैसा कर लिया रको इसने ला ने ला कर दिया ने ड कर दिया रको और ये चको इस जाने ज जा कर दिया पहुंच जाऊंगा पहुंच जाऊंगा पहुंच जाऊंगा ठीक है भाई पहुंच जाऊंगा तो परिवर्तन हो गया यहां पर इसी प्रकार जितनी बोलचाल की भाषाएं हैं उनमें परिवर्तन होता है ये केवल संस्कृत में ही नहीं है सभी भाषाओं में अंग्रेजी में भी है उर्दू फारसी सभी में है साधारण वक्ता इस परिवर्तन को नहीं जान पाता बहुत सारे पाठक होंगे उनको ये हाँ अब ये विचार करेंगे हाँ जी ऐसा ही होता है कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा सोचा भी नहीं होगा हम बोल रहे हैं नित्य प्रति परंतु हमारा ध्यान नहीं जाता वहां पर हमने कभी चिंतन नहीं किया अब हम ध्यान देंगे मैं हिंदी बोलता हूं स्पीड से तो मेरे जो शब्द हैं वो भी ऐसे ही बन जाते हैं उसमें बहुत मिसिंग हो जाती है ये, ये भाषा में ऐसा होता ही है तो कह रहे हैं साधारण वक्ता इस परिवर्तन को नहीं जान पाता किंतु यदि हम ध्यान पूर्वक अपनी अथवा दूसरों की बोली को सुने तो हमें इस कथन के सत्य का निश्चय हो जावे संस्कृत भाषा में इस प्रकार के परिवर्तन को संधि कहते हैं जब संस्कृत भाषा के शब्दों में इस प्रकार का परिवर्तन आता है तो उसी का नाम क्या दिया है वैयाकरणों ने संधि ठीक है संधि का साधारण अर्थ है मेल मेल माने मिलना क्या मिलना दो वर्णों के निकट आने से मेल उत्पन्न होता है उसे इसलिए संधि कहते हैं जब दो वर्ण आपस में निकट आते हैं निकट आने से उनका मेल उत्पन्न होता है मेल उत्पन्न होता है तो उसमें परिवर्तन आता है परिवर्तन तो इसलिए उस परिवर्तन को ही संधि नाम दे दिया क्या अर्थात दो वर्ण दो शब्दों के मे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण बाद वाले शब्द का प्रारंभ का वर्ण जब वो पास पास में आते हैं तो उनमें परिवर्तन होता है उसी परिवर्तन का ही नाम उस मेल से आए हुए परिवर्तन को संधि कहते हैं ठीक है संधि के लिए दोनों वर्ण एक दूसरे के पास पास सटे होने चाहिए दूरवर्ती शब्दों में संधि नहीं हो सकती ध्यान रखेंगे जब हम दो वर्णों की संधि करेंगे तो जो दो शब्दों के दो वर्ण है वो पास पास में होने चाहिए दूर दूर नहीं होने चाहिए दूर दूर का मतलब है उनके दो शब्दों के उच्चारण में गैप नहीं होना चाहिए अधिक आदि मात्रा का गैप चलता है आदि मात्रा से अधिक हम उसमें गैप कर देंगे दो वर्णों के बीच में तो फिर संधि नहीं होगी वर्णों की इस समीप स्थिति को संहिता कहते हैं संहिता माने यह क्या है जो व्याकरण में व्याकरण के पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया में जो ये वर्णों की समीपता होती है उसी को क्या कहा जाता है संहिता इसका नाम रखा है महर्षि पाणिनि ने संहिता संहिता का अर्थ है वर्णों की अत्यंत समीपता थीके? इसके लिए सूत्र भी बनाया है तो सूत्र भी बता देंगे आपको ठीक है कहते हैं, इसलिए संस्कृत भाषा में संधि का नियम यह है कि जिन शब्दों में निकटता की घनिष्ठता हो उनमें संधि अवश्य हो जहां निकटता घनिष्ठ घनिष्ठ न हो वहां संधि करना न करना बोलने वाले की इच्छा पर निर्भर है इसलिए क्या है संस्कृत भाषा में संधि का नियम यह है कि जिन दो जिन शब्दों में निकटता की घनिष्ठता हो और जिन शब्दों के वर्णों के वर्णों की घनिष्ठता हो तो उनमें संधि अवश्य होनी चाहिए जहां निकटता घनिष्ठ न हो ठीक है ये कहना हैं का जहाँ पर अवश्य ही सन्निकटता हो समीपता करनी ही पड़ती है वहां पर तो संधि नित्य होती है और जहां पर हमारी इच्छा है कि हम शब्दों में गैप करके भी बोल सकते हैं गैप करके भी बोल सकते हैं वर्णों को और लगातार भी बोल सकते हैं तो वहां पर कह रहे हैं वहां पर वैकल्पिक होती है बोलने वाले की इच्छा के ऊपर है संधि करे अथवा नहीं करे ठीक है नियम यह है अब यह नियम आगे बताएंगे यहां पर देखिएगा ये जो संहिता है ये वास्तव में ये नाम है संज्ञा है इसके लिए महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र बनाया है पाराह पारा संहिता प्रथम अध्याय के चौथे पाद का एक सौ सूत्र है ये कहता है सन्निकर्ष संहिता वर्णों की अत्यंत समीपता होना ही तो वर्णों का अत्यंत सन्निकर्ष सामीप्य होना ही क्या होता है व्याकरण में संहिता ठीक है वो संहिता होता है तो ये नाम ये सूत्र बनाया महर्षि पांडे ने इसलिए इन्होंने कहा है कि वर्णों की समीप स्थिति को व्याकरण में क्या कहा जाता है संहिता ये आगे आपको ध्यान रखना है जहां पर भी संधि होगी वहां पर संहिता चाहिए ठीक है चलिए अब अब इसके लिए क्या है एक सरल सरलता को बताने के लिए कहां संधि हम करें कहां नित्य होती है कहां, कहां कैसे होती है उसके लिए क्या है एक श्लोक बनाया है आचार्यों ने उस श्लोक को यहां पर आगे बताएंगे ठीक है यहां पर ये यह एक श्लोक है नीचे मैं बता रहा हूं आपको देखिएगा, आप लिख भी सकते हैं इसको साहिताई का पदे नित्या नित्या धातुपसर्ग यो नित्या समासे तु सा विवक्षा अपेक्षते इन्होंने कहा पदे चलिए इसकी हिंदी इन्होंने लिखी है उसी के अनुसार मैं बता देता हूं आप ठीक है एक पद माने एक पद में यहां संहिता माने संहिता एक पदे संहिता माने वर्णों का सामीप्य होना जरूरी है हर जगह वर्णों का सामीप्य होना आवश्यक है तो कहते एक पदे का अर्थ है एक शब्द में एक शब्द में जब हम धातु आदि से प्रत्यय आदि लगा करके बनाते हैं तो वो एक पद वहां पर संधि वहां पर भी होती है ठीक है तो कहते हैं एक पदे मान एक पद के भिन्न भिन्न अवयवों में धा भिन्न भिन्न अवयवों में संधि होगी और धातु और उपसर्ग के बीच में मैं धातु और उपसर्ग का सामीप्य हो रहा है तो और समाज में संधि अवश्य होनी चाहिए क्योंकि वहां संहिता ऐच्छिक नहीं हो सकती एक शब्द के अंदर यदि कोई वर्ण है वहां पर संध। वहां पर समय वर्णों को एक शब्द में हम वर्णों के बीच में अधिक गैप नहीं दे सकते आदि मात्रा से अधिक गैप नहीं दे सकते वहां तो मानिएगा हमको ये बोलना है राम तो लगातार बोलना ही पड़ेगा ऐसा नहीं कह सकते रा ऐसा नहीं बोल सकते लगातार बोलना पड़ेगा राम इसलिए एक शब्द में तो संहिता संज्ञा अवश्य ही होती है अर्थात वर्णों का लगातार क्रम से बोलना उच्चारण करना बिना अधिक काल के व्यवधान के ठीक है और कहते हैं धातु और उपसर्ग जब हम धातु रूप चलाते हैं धातु दा, के साथ में उपसर्ग का करते हैं तो धातु और उपसर्ग के बीच में गैप नहीं दे सकते उपसर्ग को धातु के साथ मिला करके हमें उच्चारण करना पड़ता है ठीक है जैसे मानिएगा आग हम हम प्रयोग करते हैं आग छति तो यहां आ इसके साथ में मिला के बोलना पड़ेगा ऐसा नहीं कहेंगे आ गच्छति नहीं ये उपसर्ग है और ये धातु दा, है तो यहाँ मिलाकर के बोलना ही है यहाँ संहिता करनी ही पड़ेगी और क्या क्या है है और और योग समास समास में जब दो शब्द आपस में दो शब्दों का समास करते हैं तो वहां पर भी वर्णों को लगातार बोलना होता लगातार उच्चारण करना पड़ता है समास में वहां गैप नहीं कर सकते जैसे मानिएगा ये है राजा पुरुषा है समास शब्द क्या है राज और एक पुरुष तो यहाँ अलग अलग नहीं बोल सकते यहाँ ऐसा नहीं बोल सकते राजा पुरुष नहीं राजा पुरुष लगातार बोलने पड़ेंगे तो समास में और एक पद में एक शब्द के अंदर और धातु और उपसर्ग का जब साथ, साथ प्रयोग होता है तो वहां तो संहिता संज्ञा नित्य होती है इसलिए संधि भी नित्य होगी वही कहा क्योंकि वहां संहिता संज्ञा ऐच्छिक नहीं होती वाक्य के अलग अलग शब्दों के बीच संधि करना न करना बोलने वाले की इच्छा पर है वाक्य के अंदर क्या होता है कोई वाक्य हमने बोला है कोई वाक्य बोला तो वाक्य को हम लगातार भी बोल सकते हैं राम पुस्तकम पठती रामा पुस्तकम पठती ऐसा भी बोल सकते हैं और ऐसा भी बोल सकते हैं राम पुस्तकम पठती ऐसा भी बोल सकते हैं थोड़ा वहां आधी मात्रा से अधिक का गैप दे सकते हैं तो वहां जहां जा, जहा ऐसा है वाक्य के अंदर तो वहां पर जब संहिता संज्ञा लगातार बोलेंगे तो संधि हो जाएगी जब उसको लगातार नहीं बोलेंगे तो संधि नहीं होगी नहीं होगी हो गया, ठीक है, अब अब इसको यहां पर ये हो गया आपका चलिएगा तो संधि का बता दिया अभी संधि का और काफी चलेगा आज की कक्षा में तो नहीं हो पाएगा या चलिए आज की कक्षा में ये मैं पूरा करता हूँ फिर अगली कक्षा में दूसरा चीज बतानी है तो ये हो गया कि संधि कहाँ पर नित्य होगी और कहाँ पर ऐच्छिक है ये इस श्लोक से समझ लीजिएगा एक शब्द में ये आगे उदाहरण देकर के भी बता रहे हैं देखिएगा जैसे एक पद है ये एक पद का उदाहरण दे रहे पाऊ प्लस अकह ये पाऊ क्या है? धातु की वृद्धि आदि होकर के अके प्रत्यय है तो ये पूरा एक शब्द बनेगा अब यहाँ पर हम पाऊ और अकाया ये क्या लगातार हमें समीपता से ही बोलने पड़ेंगे यहाँ पर संहिता संज्ञा हो जाती है आउ और आकी इसलिए यहाँ पर नित्य संधि होगी नित्य संधि होकर के क्या बन जाएगा पावका आगे पढ़ाएंगे संधि अभी तो समझ लीजिएगा थोड़ी बहुत तो संधि इतनी आती होगी तभी आपको समझ में आएगी ठीक है तो पावका यहाँ नित्य संधि है इसको अलग अलग नहीं बोल सकते है पाऊ अका नहीं बोलेंगे ऐसा ही संधि करके ही बोलना पड़ेगा एक पद के अंदर है इसलिए उपसर्ग और धातु के अंदर बता रहे हैं जैसे नी नी तो इसको हमें नी अवसत का क्या बनाना पड़ेगा न्यवसत बनाना पड़ेगा अलग अलग नहीं बोल सकते नी अवसत नहीं इसको साथ में मिलकर के और जैसे ही साथ बोलेंगे तो संधि हो जाएगी नी को न्या हो जाएगा ऐसे उत अलोकयत तो यहां पर संधि हो जाएगी तक उदा उदा अलोकयत तो ये धातु और उपसर्ग बता रहे हैं समास में देखिएगा कृष्णा प्लस अस्त्रम तो कृष्ण का अस्त्रम के साथ समास हो गया तो क्या बन गया कृष्णास्त्रम यहाँ पर संधि नित्य होगी समास में क्योंकि यहां पर हम गैप नहीं कर सकते कृष्ण अस्त्रम नहीं बोल सकते समास होने पर तो लगातार बोलना पड़ेगा ऐसे श्री प्लस ईशा शाह मान श्री का स्वामी तो यहां पर श्री के साथ में ईश का समास हो रहा है इसलिए ई ई का यहां संधि हो जाएगी तो श्री शाह बनेगा यह हो गया आपका समास का अर्थात क्या अर्थ निकल के आया एक पद में धातु और उपसर्ग के बीच में और समास के अंदर यदि संधि प्राप्त है तो वो नित्य होगी उसमें विकल्प नहीं है वहां वक्ता की इच्छा के ऊपर नहीं है ठीक है चलिएगा अब देखिएगा परंतु वाक्य में तो वाक्य है वाक्य में बताते हैं राम गच्छति वनम और अथवा रामो गच्छति वनम दोनों तरफ से बोल सकते हैं ये वक्ता के ऊपर है राम गच्छति वनम पर वो संहिता कर ही नहीं रहा और यहां पर वो संहिता कर रहा रामो वनम। तो पर समीपता हो गई है तो इसलिए पर संधि हो गई है ये ये वाली रामा को रामो हो गया तो वाक्य में तो इच्छा ऐच्छिक है हम संधि कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते ठीक है ये ध्यान रखेंगे अब कहते हैं अब इसमें ओ, जो ऊपर से क्रम में आ रहा था वो पांचवा नंबर बता रहे हैं पीछे से आ रहा है वो बता रहे हैं संधि के कारण नीचे लिखे परिवर्तन उपस्थित हो सकते हैं ये पहचान बता रहे हैं कि यदि संधि कहीं हमें पुस्तक साहित्य पढ़ रहे हैं तो हमें पहचानना भी तो पड़ेगा कि यहाँ पर ये संधि है कि नहीं है तो उसके प्रकार बता रहे हैं कि इस, इस प्रकार के परिवर्तन देख रहे हैं तो वहां पर संधि हुई है क्या संधि हुई है तो क्या नंबर एक नंबर एक परिवर्तन क्या होता है लोप ये लोप लिखा हुआ ठीक है प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर का जैसे यथा रामाह आयाति राम आयाति अथवा द्वितीय शब्द के प्रथम अक्षर का यथा दोष अस्ति दोषोस्ति कहते हैं यदि कहीं संधि हो रही है तो क्या होता है प्र, दो शब्दों के अंदर संधि हो रही है तो वहां पर क्या हो जाएगा जो प्रथम शब्द है उसके अंतिम अक्षर का लोप हो सकता है लोप मान वहां से गायब हो सकता है लोप का अर्थ होता हटना तो जैसे ये राम आयाति तो यहां पर क्या है प्रथम जो संधि करेंगे तो राम आयाति ऐसा बनेगा तो प्रथम शब्द था उसका ये विसर्ग था उसका लोप हो गया संधि होने पर लोप हो गया ऐसे अथवा द्वितीय शब्द के प्रथम अक्षर का भी कई भू हो जाता है जैसे दोष अस्थि तो इसकी संधि हो जाती दोष अस्थि तो अस्थि का चला गया यहां से संधि हो गया दूसरे शब्द का जो आ था संधि करके वो हट गया तो इस प्रकार का एक तो परिवर्तन होता है लोप रूपी परिवर्तन क्या किसी वर्ण का ही लोप हो जाता है दूसरा बता रहे ये दोनों के स्थान में कोई नया वर्ण यथा रमा ईशा रमेशा अथवा दो में से किसी एक के स्थान में नया वर्ण अवसत न्यवसत कस्मिन चित ऐसा क्या कह रहे दोनों के स्थान में कोई नया हो जाना दोनों वर्णों के स्थान में कहीं कहीं ठीक है जैसे रमा प्लस ईशा तो यहाँ क्या हमने यहां पर संधि की तो रमा का आ और ईश का ई दोनों ही हट गए और उनके स्थान में एक नया वर्ण आ गया क्या ए तो क्या बन गया रमेश दोनों दो से किसी एक के स्थान में कोई नया वर्ण आ जाता है एक वैसा का वैसा ही रहता है जैसे संधि यहाँ पर नी प्लस अवसत संधि की हमने तो यहाँ पर नी का जो ई था ई को हमने क्या कर दिया या कर दिया आ तो ऐसा का ऐसा ही रहा न्याव क्या हुआ न्यवसत ठीक है तो ये हो गया और यहां पर जैसे कस्मिन और चित है तो यहां पर क्या हो गया ये ना है ना ना को क्या हो गया ना हट गया और यहां पर ये शा और अनुस्वार आ गया शु तो ऐसा का ऐसा ही रहा इसमें जो पहले शब्द का अंतिम अक्षर न था उसको क्या हो गया एक अनुस्वार हो गया और ये शा हो गया ऐसा ये देख रहे हैं आप ठीक है तो इस प्रकार का परिवर्तन हो जाता है ये तो केवल नमूना दिखा रहे हैं ये तो नमूना दिखा रहे हैं ये मैं सोच रही यही है बस नहीं इस प्रकार से समझना हमको है ठीक है नंबर तीन तीसरे प्रकार का क्या हो सकता है दो में से एक का द्वित्व जब दो शब्द हैं उनका अंतिम और प्रथम जो अक्षर का सामीप्य होगा तो उसमें से क्या है उसमें से किसी एक को दो बन जाएंगे जैसे एक अवसरे तो यहां पर क्या होगा एक ये जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है उसको दो बार उच्चारण हो गया दो न हो गए तो इस प्रकार से हो जाता है इसी प्रकार ये तो न का दिखाया और किसी का भी हो सकता है दो बार शब्दों की निकटता नीचे लिखे प्रकारों की हो सकती है आइएगा ये बहुत बढ़िया है पॉइंट अच्छा दिया वो है इन्होंने बहुत समझाया है देखिए कि हम शब्दों की निकटता के बारे में ये बता रहे हैं कि शब्दों की निकटता माने किस किस प्रकार के शब्द आपस में संधि के लिए पास पास में हमें दिखाई दे सकते हैं उसका प्रकार बता रहे हैं ठीक है कहते हैं कि एक तो ये नंबर एक चार प्रकार के बता रहे हैं ठीक है नंबर एक जहां प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तथा द्वितीय का प्रथम वर्ण दोनों स्वर हो एक तो संधि करने के लिए जब हम शब्द हमारे पास में कैसे हो सकते हैं कि प्रथम जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण स्वर हो माने वोवेल हो और द्वितीय जो आ रहा है आगे उसका प्रथम वर्ण माने प्रारंभ का वर्ण भी स्वर हो अर्थात दोनों स्वर हो पहले वाले का अंत का दूसरे बाद वाले का पहला इस प्रकार का हमको मिल सकता है संधि के लिए संधि करने के लिए नंबर दो जहां दो में से पर स्वर हो पूर्ण व्यंजन हो ऐसा भी हो सकता है कि जो दो शब्द हैं उसमें दो में से जो पर वाला है पर वाला है उसका पहला अक्षर तो क्या हो स्वर और पूर्व वाला है वो व्यंजन हो पूर्व पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और बाद वाले शब्द का पहला वर्ण स्वर हो एक तो यह स्थिति हो सकती है नंबर तीन जहां दोनों व्यंजन हो तीसरी स्थिति यह भी हो सकती है कि दोनों शब्द पहले वाला शब्द है उसका भी अंतिम वर्ण व्यंजन हो और बाद वाला शब्द है उसका प्र, 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 पहला अक्षर व्यंजन हो अतः व्यंजन व्यंजन की संधि हो सकती है चौथा चौथा क्या प्रकार हो सकता है जहां प्रथम का अंतिम विसर्ग हो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण क्या हो विसर्ग विसर्ग बताइए आपको ऐसा और द्वितीय शब्द है उसका प्रथम स्वर जो द्वितीय शब्द आ रहा है आगे उसका पहला जो वर्ण है वो स्वर भी हो सकता है स्वर माने वोवेल अथवा व्यंजन भी हो सकता है बाद वाले का प्रथम अक्षर द्वितीय के प्रारंभ ध्यान रखेंगे ये कह रहे हैं जो दूसरा शब्द है दूसरा शब्द भी बाद में आएगा द्वितीय के प्रारंभ आरंभ में विसर्ग नहीं आ सकता अर्थात कोई भी शब्द होता है उसके आदि में विसर्ग हो ही नहीं सकता विसर्ग या तो मध्य में होता है या होता अंत में आ किसी भी शब्द के आदि में विसर्ग नहीं होता तो वही कह रहे हैं द्वितीय के आरंभ में विसर्ग नहीं आ सकता क्योंकि विसर्ग से किसी शब्द का प्रारंभ नहीं होता तो इसलिए प्रथम शब्द का विसर्ग और दूसरे शब्द का पहला अक्षर कोई व्यंजन भी हो सकता है स्वर भी हो सकता है चलिएगा ये हो गया और आगे आ जाइएगा अब ये बता रहे हैं कि इसमें इन्होंने जो प्रकार बताए हैं क्या है ये जो प्रकार बताए चार चार प्रकारों का ये बताएंगे कि जो संधि है संधियों का विभाग किया है क्या किया है संधियों का विभाग सिद्धांत कौमुदी में पांच प्रकार की संधियां बताई क्या पांच प्रकार की परंतु यहां पर हम जो पढ़ाएंगे वो तीन प्रकार की पढ़ाएंगे तीन प्रकार में ही पांचों प्रकार की संधियां आ जाएंगी ठीक है मैं बता दूंगा अब ये बता रहा हूं ये यहां पर बता रहे हैं कि संधियां तीन प्रकार की होंगी ये कह रहे हैं इनमें से माने ये जो चार बताए इनमें से जो पहला होगा माने जहां पर शब्दों में पहली शर्त घटेगी अर्थात जहां शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय का प्रथम वर्ण दोनों स्वर होंगे तो वहां पर कौन सी संधि मानी जाएगी कह रहे हैं उसको स्वर संधि कहेंगे स्वर माने स्वर स्वर के बीच में हुई संधि स्वर संधि हो जाएगी और दो और तीन दो और तीन कौन कौन सा था ये जहां दो में से पर स्वर हो और पूर्व व्यंजन हो अथवा जहां दोनों व्यंजन हो ठीक है जहां दो में से पर वाला तो स्वर हो मान पर वाला वर्ण पर वाला शब्द का पहला अक्षर क्या होना चाहिए स्वर और पूर्व वाला जो पूर्व वाला है पूर्व वाले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए व्यंजन तो वहां पर और जहां पर दोनों व्यंजन ही हो पूर्व वाले का भी पहला अक्षर और पूर्व वाले का भी अंतिम अक्षर और पहले बाद वाले का भी पहला अक्षर पूर्व वाले का अंतिम अक्षर बाद वाले का पहला अक्षर तो वहां पर क्या होगी उस संधि को बोलते हैं ये व्यंजन संधि उसका नाम व्यंजन संधि और चौथा बच गया जहां प्रथम का अंतिम विसर्ग होगा प्रथम शब्द का और द्वितीय कोई स्वर या व्यंजन होगा तो उस संधि को बोलते हैं विसर्ग संधि ये लक्षण बता रहे हैं बता दिया इस प्रकार की सब घटना घटित होगी तो वहां पर स्वर संधि होगी दो और तीन वाली घटना घटित होगी तो व्यंजन संधि होगी और चौथे नंबर की घटना घटित तो होगी तो विसर्ग संधि कहा जाएगा उसको ठीक है सिद्धांत कौमुदी में दो प्रकार की संधि और बताइए एक तो बताइए प्रकृति संधि प्रकृति भाव संधि ऐसा प्रकृति भाव संधि प्रकृति भाव संधि ठीक है और एक बताइए स्वादी संधि सिद्धांत कौमदी की बात कर रहा हूं ये दोनों प्रकार की संधिया क्या प्रकृतिभाव संधि और स्वादि संधि इन संधियों के अंतर्गत ही हम आपको पढ़ाएंगे ठीक है इन्हीं के अंतर्गत ये आ जाएंगे स्वादि संधि और प्रकृतिभाव संधि इसलिए आप ऐसा मत विचार कीजिए कि सिद्धांत कौमुदी में अधिक संधियां बताई गई हैं नहीं यही संधियां मोटे मोटे रूप से तीन प्रकार की आई संधियों का भेद करते हैं स्वर संधि व्यंजन संधि विसर्ग संधि ठीक चलिएगा अब ये मैंने आपको आज की कक्षा में थोड़ा सा संधि का परिचय कर दिया है ठीक है ये जरूर ध्यान रखेंगे आपको संस्कृत साहित्य को पढ़कर के उसका सही सही अर्थ समझना है तो आपको संधियों का पूरा ज्ञान होना चाहिए यदि आपका संधियों का ज्ञान नहीं है तो आप श्लोक को पढ़कर के या सं साहित्य की पुस्तकों को पढ़कर के अर्थ नहीं कर सकते है? आपको पता ही नहीं लगेगा ये कौन सा शब्द है संधि होकर के शब्द बदल जाता है तो इसलिए आपको शुद्ध लेखन करना है या पढ़कर के अर्थ को समझना है या बोलना है तो आपको संधि का सौ प्रतिशत ज्ञान होना चाहिए ठीक है अब आज की कक्षा ये हो गई भूमिका के रूप में मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया है ठीक है अब क्या होगा संधि के लिए संधि पढ़ने से पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी हमें समझना पड़ेगा ये महर्षि पाणिनि के प्रत्याहार सूत्र है कि कोई भी हम संधि पढ़ेंगे संधि तो उसमें हमें इन प्रत्याहारों का प्रयोग मिलेगा जिनको आप माहेश्वर सूत्र बोलते हैं उनको प्रत्याहार सूत्र बोलते हैं ये हमको समझना पड़ेगा ये मैं आपको संक्षिप्त रूप में अगली कक्षा में पूरा समझा दूंगा क्योंकि इसके बिना आपको संधि बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी ठीक है तो चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं इस पर थोड़ा विचार करेंगे फिर संधि पढ़ना आरंभ कर देंगे चलिए ठीक है गुरु दक्षिणा में आपसे हम यही मांगते हैं कि आप प्रत्येक पाठक यदि एक एक हजार लोगों तक इन वीडियो को पहुंचा देता है तो संस्कृत भाषा का बहुत व्यापक रूप से प्रचार हो जाएगा आशा है आप संस्कृत भाषा के व्यापक प्रचार प्रसार में अवश्य अपना योगदान देंगे देना ही चाहिए अर्थात दें अवश्य दें सर्वेभ्यो नमः